सारे किसान भाइया ने राम राम। आज मेरा नाम तो है जी राकेश तंवर और भिवानी हरियाणा में, मतलब जो है वहां से 60 किलोमीटर इस साइड मतलब गांव है नंगल। तो आज नंगल गांव में आ रहे हैं और अपने साथ मतलब जैसे किसान भाई है तो इन्हें का मतलब यार जिस तरह डाणी है इन्हें तना सरसम भी ला रखी है, गेहूं भी ला रखी है और इन्हें के मतलब पड़ोस में भी किसान है उनने भी मान लिया जिस तरह गेहूं और सरसम वगैरह मान लिया जिस तरह लगा रखी है। तो अपने गेहूं में के बात हुई थी जीवा, थोड़ा बताओ एक बारी जी। तो फोड़े की स्प्रे मारी थी कणक में, मतलब आपा ने स्प्रे करी थी 240। हाँ जी, साथ में पतली पत्ती खातर भी मिलाया था कि नहीं? हाँ जी, एक अकेली 240 करी थी चौड़ी पत्ती खातर। हाँ जी, तो उसके बाद में फिर मान लिया जिस तरह 240 क्या परसेंट थी वह 50% थी। 50% 240 थी, तो मतलब उरे ते ही मारा था अपने स्प्रे। हाँ जी, सरसम में के आया उसका फिर असर जी? 2-3 दिन में अड्डी पड़ गई थी। अच्छा, सरसम अड्डी पड़ गई थी मतलब थोड़े ते ही, और स्प्रे भी को नहीं आया था किसान भाइयों, मतलब हवा के बटे थोड़ी रमक सी गई थी मान लिया जिस तरह उरे ते ही जो आपा डोल पर खड़े नहीं तो इस दौड़ते ही मतलब 240 स्प्रे हुई थी। अरे लगभग उरने जो या सरसम है इसमें या कनाल एक लगा लो आप तो कनाल एक में मतलब जिस तरह 240 50% की न्यू रमक सी गई थी तो उसका मतलब पेड़े न्यू बिखर से गए थे अपने, गिरे गए थे ये अड्डे से पड़ गए थे। ये देखो सरसम, ये पौधा देखो, ये देखो जी इसे त्रिया यो पौधा है, यो देखो ये पौधा देखो जी। आगन भी अगर आप आवा नहीं तो यो पौधा देखो, यो अड्डा पड़ गया था जमा, और भी आगन है इस साइड देखो यो पौधा, यो देखो जी, ये देखो उस टाइम की फोटो भी दिखावा है आपने। मतलब कुल मिला के बात यह थी कि यो सारा मतलब न्यू अड्डा सा पड़ गया था तो उस टाइम पे ये देखो आप पूरे सी या 240 58% स्प्रे हो रही है। फिर क्या है जी? फिर जी वो जाइनेटिक की स्प्रे मारी थी, जाइटोनिक एम की स्प्रे मारी थी। हाँ जी, मतलब किस तरह मारी थी? पहले बेह के छोड़ा था कि उसने? पहले दिन बेह के छोड़ दिया, अगले दिन स्प्रे मारी थी। अच्छा, तो इस एरिया में फिर आगे मान लिया जिस तरह जाइटोनिक एम की आपने स्प्रे मारी थी, 2 किलो एक एकड़ के हिसाब से दिया था अंकुश? हाँ जी, 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से और 200 लीटर प्रति एकड़ पानी के अंदर। 2 किलो 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे मरवाया? हाँ जी सर। क्या लगे भाई सब? बहुत असर लगा भाई सब। आपने क्या लगे के जड़े ते ही मान लिया 240 का फुहार सी गई थी और उसके बाद में फिर जाइटोनिक एम स्प्रे हो गया तो आपने बिल्कुल खत्म कर दिया भाई साहब, 240 का जमा एकदम जीरो असर कर दिया उसने। हाँ जी, आपने लग गए या कनाल मतलब उसका बराबर पैदावार दे देगी? जी बिल्कुल देगी जी। अच्छा, तो आप भी देखो किसान भाइयों थोड़ा मतलब लेट जरूर हो गए हम यहाँ तक पहुंचने में। ये देखो जी जितनी भी सरसों सारी की सारी जो अड्डी पड़ गई थी 240 के बाद में उसमें जाइटोनिक एम ने स्प्रे होने के बाद पूरी जो फसल है दोबारा तो एक किस्म का मतलब जिंदा कर दी जी। ये देखो क्या दिन हो गए भाई साहब? 10-12 दिन तो हो गए, लगभग 10-12 दिन हो गए जाइटोनिक एम का स्प्रे हुए। ये देखो जी किसी प्रकार का कड़े भी कोई मतलब नुकसान जरूर होया था लेकिन जाइटोनिक एम का जो स्प्रे होया उस पे बहुत बढ़िया रिजल्ट बन गया जी। अरे ये देखो उरे तक गेहूं तो मतलब स्प्रे होया था 240 का।
शामी सिर्फ रमक रमक ते मन लिया। ये देखो जाइटोनिकम जाइडेक्स कंपनी है, उसका आता है। और अगर सप्रे किसान भाई करना चाहे तो 2 किलो 1 एकड़ की इसकी डोज है। न्यू कोनी के भाई अपन 240 हर ले खेत में करना हुआ तो भूल चूक होया करे, किसान पर कई बारी हो भी जे। लेकिन अगर सरसों में बढ़िया पैदावार अगर लेनी है तो उस खातर ये एक उदाहरण है जी। बाकी थारी सलाह किसान भाइयों, ये देखो।